Okay, good morning students. Okay, now see the information of the lecture, and this is very small because of this 10th subject English first light. Glimpse of India by Lucio Rodriguez, and this is lecture number 2. Right? Lecture number 2 means we did something in the lecture number 1. So let's see what did we do in the lecture number 1. This page we completed, and this one also we completed. By the end of this, that means we had only oral comprehension checks completed by here our text. That means we just need to read further. Okay. So here from here we need to start. Now see everyone, what were we reading? A baker from Goa. We were reading the story, lifestyle of the things related to the baker. Okay, how their life starts with the common people living in the Goa. And the author told about his starting day and then how it ends and what's the role of the baker in the life of common man living in Goa. So what we are doing, we read the next one. See everyone, is it visible? You can see everyone. Okay, sit down. Okay, see, marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as a bowl. Just as a party or a feast loses its charm without bread. Do you see what is the narrator talking about? कि भाई अगर शादियां होती हैं और उन शादियों के अंदर वो ब्रेड नहीं है जो वो बेकर बेक करते हैं, पकाते हैं, बनाते हैं, और जिसको क्या बोला जाता है, बोल, नोन एज द बोल, बोल से नाम से उसको जाना जाता है. तो कहते हैं कि अगर शादी में ये बोल नहीं है, ये स्वीट ब्रेड नहीं है, तो शादी का कोई मीनिंग ही नहीं रहता. पीपल डोंट टेक इंटरेस्ट इन द मैरिज. There are some people, those who go to marriage just only for the sake of eating, खाना खाने के लिए जाते हैं. This is the point basically. And if that sweet bread is not there in the marriage, then that marriage becomes meaningless. जिसकी कोई value नहीं है, people interest नहीं देते ना interest करते हैं. This one talks. So same thing happens with the parties, just as a party या कोई party अगर वहां पर होती है, या feast. Feast क्या होती है? दावत जिसको हम बोलते हैं, खाना के लिए किसी को बुलाना. और वहां पर ये अगर sweet bread वहां पर नहीं होता है ना, that is called bowl. तो वो कहता है कि किसी भी तरह का कोई interest नहीं रहता है उसके अंदर. उसका charm जो कहता है, जो उसकी अच्छी बात है, जो अच्छाई है, जहां पर दिल लगता है, इंसान जाते हैं, that is lost. वो गुम हो जाता है. पीपल डोंट टेक इंटरेस्ट अल्टीमेटली विदाउट ब्रेड, जो ये स्वीट ब्रेड होता है. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? ऑथर इज टॉकिंग टू अस कि नॉट इनफ कैन बी सेड, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? टू शो हाउ इम्पोर्टेंट, कि भाई ये बेकर जो होते हैं, द वन हु बेक्स द केक और दिस बोल, तो वो कितने इंपॉर्टेंट हैं गांव के लिए, विलेज के लिए. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. राइट एवरीवन? सो व्हाट वी फाइंड, सी, अगर किसी के घर में किसी की बेटी की एंगेजमेंट है, तो वो लेडी जो है सैंडविचेस प्रिपेयर करती है ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. और उसके साथ साथ वो कहता है केक्स एंड बोलीहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. यानी कि ये जो केक्स हैं, स्वीट ब्रेड वो कहते हैं, और बोलीहास, दैट इज द फुल नेम इन दैट पोर्टुगीज लैंग्वेज, और इन आवर लैंग्वेज वी कॉल इट इन द शॉर्ट फॉर्म, दैट्स बोल, क्योंकि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ बोल, बोल की तरह ये दिखता है, दैट्स व्हाई इट्स गिवन दिस. That's why they call it a ball. So वो कहते हैं अगर ये चीजें वहाँ पर नहीं होते ना, then there is no charm of this marriage, this party, this engagement, whatever it is there.
जो भी प्लेस गए, और वो कहता है कि भाई इनका जो सबसे मेन पॉइंट कहता है जो क्रिसमस है या फिर कोई अदर फेस्टिवल्स है, यू मस्ट नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड मोस्ट इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर क्रिसमस सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है रादर देन नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट इंडिया, राइट? सो दैट गोवा फॉल्स इन दैट। सो वो कहते हैं कि जब भी क्रिसमस आता है तो ये या फिर अदर कोई फेस्टिवल है तो ये केक्स और बोली हांस जो है ये मस्ट है, ये वहां पर कुक किए जाते हैं। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Furnace means what? क्या होता है furnace? विशाल furnace आज फर्स्ट लेक्चर ना, furnace means भट्टियां जिनमें जो है उस केक को बेक किया जाता है, पकाया जाता है। अब हमारा ऑथर कहता है कि जो बेकर्स की ये फर्नेंसेस होती है, भट्टी होती हैं जहां पर इसको बेक किया जाता है विलेज के अंदर, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली एसेंशियल, कितनी ज्यादा जरूरत है इसकी वहां पर, देखो दैट्स व्हाट ही टॉक्स। लेट्स सी फर्दर। द बेकर और ब्रेड सेलर दोस डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नोन एज द कलाय। पेक्युलर मीन्स स्ट्रेंज, अनयूजुअल। अब वो कहता है कि जो बेकर होते थे या फिर ब्रेड सेलर्स होते थे, जो इनकी ड्रेस होती थी ना, दैट इज अ बिट डिफरेंट, थोड़ी सी स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है एज द कॉमन्स, जिसको जो है कबाई के नाम से जाना जाता था, दे कॉल इट कबाय। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। अब देखो उसकी डिस्क्रिप्शन देता है जो ये ड्रेस वो यूज करते थे, वियर करते थे, सिंगल फ्रॉक, द इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, घुटनों तक नीचे जाती है, राइट? इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ। जो हमारी फुल पेंट होती है या ट्राउजर होता है उसे थोड़ी ही छोटी होती है, दैट मीन्स कि जो हमारे घुटने हैं उससे थोड़ी सी नीचे जा रही है, राइट? सो शोल्डर, अब वो उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज शोल्डर। वी सो बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, शर्ट पहनते हैं और ट्राउजर्स जो कि फुल लेंथ भी नहीं है और हाफ भी नहीं है, दैट इज इन द मिड ऑफ दैट। Okay, see now, let's just try to complete. See students, this network problem is there, so keep connecting those who want to remain in the lecture. Okay, anyone, even today the author is talking, even today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees, the one who wears the same kind of dress or type of dress basically, so invites the comment that he is dressed like a pader. Pader means the one who is in the profession of baking the breads or like selling the breads. I told you in the last lecture also, pader is the one who is following the same profession of the parents or grandparents in the same profession. Like if anyone wears the same dress, so that one gets the comment from the friends or the neighbors or the one who looks at him or her, they just comment that the one is looking like a pader, ki wo pader ki tarah look raha hai, ki bhai uska jo profession hai that's baking the bread and just selling the breads, right? So wo is tarah ke comments get karte hai if the one wears the same kind of dress, ki agar is tarah ki wo dresses wear karte hai. I'll see the next one. The baker usually collected his bills at the end of the month. और जो ये बेकर्स होते थे मंथ के एंड में जो है अपनी मंथली जो है कलेक्शंस किया करते थे, पैसे कलेक्ट करते थे, टू होम दे यूज टू सेल ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे जो वो बेचते थे वो मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड इन सम वॉल इन पेंसिल, अंडरस्टूड और नॉट? इन सम वॉल इन पेंसिल, दीवार के ऊपर लिखते थे वो पेंसिल से पूरा रिकॉर्ड, द वन हु सेलिंग द
breads or like this bowls. So they used to make the record on the walls. On some walls in pencil se wo likhte the. Baking was indeed a profitable profession in the old days. Aur is tarah ke breads ko banana, bake karna, pakana aur fir usko sell karna. The author is talking that used to be the profitable business for the people. जो लोग ये बिजनेस करते थे उस समय पे उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था. सचमुच द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट. जो ये बेकर हुआ करते थे और इनकी फैमिली कभी भूखी नहीं रही. ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. हमेशा खुश रहते थे और समृद्ध रहते थे. Why it is because their business was very flourishing that time. They used to get huge sums of money by just selling this. Their plump physique was an open testimony to this. Plump physique means like वो कहते हैं pleasantly fat body. ये जो people हुआ करते थे usually वो कहते हैं इनकी body fat हुआ करती थी. Fat means थोड़ा healthy होना. We call it a healthy in a formal language. Otherwise, in informal language, we can talk anything, right? I know you can understand. Smiling face. Avi, what is name? Gurneet. That's okay. Okay. Avi, open testimony means वो कहते हैं कि जो people वहाँ पर हैं, they give the statement about the people those who are selling the goods. That means कि भी हम लोगों से भी पता चल जाता है इनके बारे में. पब्लिक स्टेटमेंट वो जिसको बोलता है अबाउट द कैरेक्टर और द क्वालिटी ऑफ द वन वेदर दे आर अ बिट फैट राइट बट उनकी जो क्वालिटी और जो कैरेक्टर है दैट्स वेरी गुड. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड विद अ बेकर. जैकफ्रूट तो सबको पता है, ऑल नो द जैकफ्रूट. वो कहता है इस तरह का अगर कोई पर्सन दिखाई देता है, इफ द पर्सन लुक्स लाइक द जैकफ्रूट्स, उस फ्रूट की तरह उसकी बॉडी अपीयरेंस है. पीपल जस्ट कंपेयर दिस, दोज हु आर लिविंग इन गोवा, गोवा के अंदर जो रह रहे हैं, दे जस्ट कंपेयर द पीपल. अगर उनकी आउटवर्ड अपीयरेंस इज लाइक जैकफ्रूट और वो फैट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, कि अगर वो थोड़े से मोटे है, फिजिकल अपीयरेंस उनकी अ बिट स्टाउटी है, देन दे कॉल दिस लाइक दे आर कंपेयर्ड विद अ बेकर. उसको बेकर के साथ कंपेयर करते हैं जो कि क्या करने आते हैं, सेल करने आते हैं ब्रेड्स को, राइट. So this is all done, every one of you. Any one of you wants to ask any word, question, anything? Avi, Gurneet. Gurneet is expert, you know, we don't get them. Okay, that's enough for today's lecture, students. If you have any doubt, you can ask the question. From the online class also. I'm going to allow you to unmute yourselves if you want to ask question. I can listen.